मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास थर्ड को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। आप भी बुक लेकर बैठ जाइए और देखिए। लेसन वन है ग्रामर का, ग्रामर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको? ग्रामर, लेटर, ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण। लेटर मीन्स होता है वर्ड। वावेल मीन्स क्या होता है? स्वर। स्वर कितने होते हैं? फाइव। कितने होते हैं? फाइव। इसमें कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। फाइव कितने क्या होते हैं? वावे। व्यंजन कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। जो आपका अल्फाबेट होता है वर्डमाला ए से लेके जेड तक, उसके ये फाइव वर्ड होते हैं वावेल। बाकी जितने होते हैं 21, कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। जैसे बी सी, ऐसे करके बी सी, इन वर्डों को छोड़कर डी, इसी तरह से, है ना? 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ग्रामर ये फिर क्या होता है? वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। वावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर वर्ड बनते हैं। जैसे फिर देखिए, काऊ, ठीक है, बैट, ये है ना, जिसमें देखिए ये कॉन्सोनेंट हुआ, ये भी कॉन्सोनेंट हुआ और ये वावेल हुआ। व्याकरण का जो वर्तनी शुद्ध होती है उसके अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं, जिससे हम इंग्लिश का व्याकरण सीखते हैं। किस तरह से बनाया जाता है, पढ़ा जाता है, किस तरह से वर्डों का संग्रह होता है, किस तरह सेंटेंस बनेंगे। वही तो वावेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर क्या बना? वर्ड। बता गया ना यहाँ पे? वर्ड मीन शब्द। हमने कॉन्सोनेंट से ये वावेल से लिया ओ, और इससे लिया है सी ओ, सी ओ डब्ल्यू, इससे कॉन्सोनेंट से तो वर्ड बना जिसका कोई अर्थ निकलता है। वो वर्ड तो किसी भी तरह से कोई भी वर्ड मिलाकर बनाने से हो जाएगा, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वो नहीं, जिसका अर्थ निकले व्याकरण इसीलिए सिखाया जाता है। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब आई स्पेलिंग, बर्तनी। इस बर्तनी क्या होती है? किसी शब्द के वर्डों के क्रम को, जो शब्दों का क्रम होता है उसे स्पेलिंग या बर्तनी कहते हैं। जैसे इंडिया, इस शब्द की स्पेलिंग है, जो शब्द इंडिया बना है उस शब्द की यह स्पेलिंग है इंडिया। इसमें भी क्या क्या वर्ड मिले? आई, ये हो गया वावेल, हो गया एन और डी कॉन्सोनेंट है, और आई और ए, ये तीन जो है वो है क्या गया? वावेल, है ना? तो ये शुद्ध वर्ड, शुद्ध बनी बर्तनी, इन दोनों चीज़ों से मिलाकर ये स्पेलिंग हो गया। सेंटेंस, कई वर्डों को ही, इसी तरह से कई वर्ड रहेंगे जिनसे सेंटेंस बनते हैं। जिस तरह से देखिए, शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो, जिसका अर्थ निकलता हो, उसे सेंटेंस या वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए, दिस, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, है ना? ये एक वर्ड, ये एक सेंटेंस हो गया। इसमें कितने वर्ड है? ये एक वर्ड हो गया, है ना? वर्ड हो गया, ये भी एक वर्ड हो गया, एक वर्ड ए हो गया, एक ए, चार वर्ड हो गया। अब इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, यह एक बुक है। इसमें भी देखिए, कॉन्सोनेंट और वावेल की सहायता से ही वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना। नहीं आपको आ रहा तो मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। ग्रामर, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। किसी भी भाषा के नियमों का वह संग्रह। हिंदी की भाषा का भी व्याकरण होता है, संस्कृत की भाषा का भी व्याकरण होता है, और इंग्लिश का भी व्याकरण होता है, ग्रामर जिसे कहा जाता है, जो उस भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने का ज्ञान कराता है, ग्रामर या व्याकरण कहलाता है, ठीक है। अब आइए लेटर पर। जो कुछ हम बोलते हैं या लिखते हैं, जो कुछ हम बोलते या लिखते हैं वह वर्ण की सहायता से होता है।
उसे लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, से भाषा कहा जाता है। भाषा की इकाई लेटर या वर्ण होती है। भाषा की इकाई पहला पहला जो पहला चीज वह लेटर या वर्ण होता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट जो 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें ए बी सी आदि जो भी लिखते हैं ए से जेड तक, वह क्या होते हैं, लेटर होते हैं। फिर उसमें हम पढ़ेंगे, फिर आइए वावेल और कंसोनेंट पे। वावेल क्या है, स्वर बताया हमने। इंग्लिश अल्फाबेट के 5 लेटर जो होते हैं वावेल वावेल होते हैं, वावेल कहा जाता है। वावेल मीन स्वर, ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट मीन्स व्यंजन, व्यंजन है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो ये वावेल को छोड़कर जितनी अच्छा 21 जो लेटर आते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं वर्ण भी कह सकते हैं, दोनों कहा जाता है, तो वह होते हैं हमारे कंसोनेंट। जैसे उनकी सहायता से क्या बनता है, दोनों की सहायता से मिलाकर वर्ड बनता है, शब्द। लेटर का ऐसा मेल, शब्दों का ऐसा मेल या समूह जिसमें कोई अर्थ प्राप्त होता है वर्ड कहलाता है। अर्थ प्राप्त होना चाहिए, ऐसा वर्ड भी नहीं बने कि जिसका कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ नहीं निकलता हो। इसे एक निरर्थक शब्द होता है, एक सार्थक शब्द होता है, तो इसे सार्थक शब्द कहा जाएगा। स्पेलिंग, किसी शब्द के वर्डों को क्रम में रखकर जो लिखते हैं हम क्रम से, उसे स्पेलिंग कहा जाता है। जैसे कि इंडिया शब्द, ये इंडिया शब्द है, उसका हमने ये स्पेलिंग लिखा, इंडिया मीन्स भारत। सेंटेंस, अब इन वर्डों और स्पेलिंग की सहायता से ये जो सारे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 सब पॉइंट्स दिए गए, इन सब पॉइंट्स की सहायता से हमारा सेंटेंस बनेगा। कई वर्ड मतलब कई शब्दों का समूह मिलाकर सेंटेंस बनता है। दिस इज ए बुक, यह एक बुक है। इसी तरह और सेंटेंस देखिए, इंडिया इज ए बिग कंट्री। कंट्री एक बार सब हो गया, बिग दूसरा, तीन से ए देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 कितने 5 वर्ड्स हो गए। भारत एक बड़ा देश है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए, माय नेम इज अमित। इसमें भी देखिए एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड देखिए, माय एक वर्ड हो गया, चार वर्डों की सहायता से एक वाक्य बना। माय मीन्स मेरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है, अमित उसका नाम है, तो इसका अर्थ क्या निकला, मेरा नाम अमित है। आज के लिए बस इतना ही, अगला ग्रामर का चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।